या इस देश के मजदूर की, किसान की, उनके आंदोलनों की, शिक्षकों की, विद्यार्थियों की बात नहीं रखता है। इमोटिव मुद्दों को लेकर के बहस में रहता है, कभी कश्मीर में बिजी है तो कभी सावरकर को लेके बिजी है, कभी कोई और फिल्टर स्टेशन दे देता उसमें बिजी है। मीडिया 95% से ज्यादा जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो केवल और केवल इमोटिव मुद्दों पे बिजी है, आवाम के इश्यूज पे बिजी नहीं है। इसीलिए ये इश्यू फोकस में नहीं आ पा रहा है, और उसको फोकस में लाने के लिए थोड़ा बहुत जो हमें सपोर्ट है वो सोशल मीडिया से है, डिजिटल मीडिया से, उनके हम शुक्रगुजार हैं कि कहीं तो हमारी बात थोड़ी बहुत पहुंच रही है। इसीलिए उसी के जरिए से मैं ये कहना चाहूंगी, पब्लिक वहाँ कष्ट में है और मुख्यमंत्री सुन नहीं रहा है। प्रॉब्लम लोगों को हो रही है, लोगों का कष्ट सरकारों का कष्ट नहीं है, इस वजह से ये इशू दबा हुआ है। पर हम ये समझते हैं यूनियंस तैयार है बातचीत के लिए, कोर्ट ने बोल दिया, उससे पहले भी हम तैयार थे, कोर्ट ने कहा हम तब भी तैयार हैं, लेकिन मुख्यमंत्री अड़ा हुआ है, कसूर सरकार का है। सरकार ने क्यों वायदा किया कि वोट दीजिए हम जो है आपको सरकारी कर्मचारी बना देंगे, ये कह के वोट लिया, और वो केवल ये कहने के लिए सड़क पे निकले, अपना चुनावी वायदा पूरा कर दो, और उसने सारे के सारे 49,000 मजदूरों को कह दिया तुम्हें हमने नौकरी से निकाला। इस तरीके की जंगल राज और दादागिरी जो है ये तो वर्किंग क्लास टॉलरेट नहीं करेगी, इसलिए हम मैदान पे। सबसे पहले हमारे आईटीयूसी के दफ्तर में आए थे, और हमारे आईटीयूसी के महामंत्री उस वक्त मेंबर पार्लियामेंट गुरुदास दास गुप्ता थे, और केसीआर ने आके ये कहा था मुझे आशीर्वाद दीजिए मैं मजदूरों की सेवा करूं, कर्मचारियों की सेवा करूं, उसके बाद ही मैं शामिल होऊंगा, लेबर मिनिस्ट्री की कुर्सी पर बैठूंगा। आज मैं चंद्रशेखर राव से पूछना चाहती हूं, मैं उनसे सवाल करना चाहती हूं, आप हिंदुस्तान की गद्दी में एक लेबर मिनिस्टर के रूप में बैठते हैं और प्रॉमिस करते हैं कि मैं लेबर के लिए काम करूंगा, उस समय भी हमारी कुछ समय के लिए आपके साथ जद्दोजहद हुई थी, उस समय भी कुछ निर्णयों के ऊपर आपसे बहस मुहासा हुआ था, उस समय कुछ चीजों के ऊपर आपने ट्रेड यूनियंस की बात सुनी भी थी, कुछ चीजों पे आपने बात नहीं सुनी थी। जब आपने बात सुनी हमने स्वागत किया, लेकिन आपने जब कर्मचारियों की मजदूरों की हित की बात नहीं अहित कहा तो हम लोगों ने उसका डट के विरोध किया, और आज आप मुख्यमंत्री हैं, तेलंगाना बनाने के अपने आप को हीरो बोलते हैं, लेकिन उन तेलंगाना के उन मजदूरों में, कर्मचारियों ने, सब लोगों ने तेलंगाना को बनाने के लिए उस जद्दोजहद में हिस्सा लिया था, और आप कुर्सी पे दोबारा बैठने के चक्कर में वायदे करते हैं वोट लेने के लिए। आपने वायदा किया कि आपकी रोड ट्रांसपोर्ट को हम सरकारी बना देंगे, आपने ये वायदा किया कि उसको सरकारी बना करके आपको सरकारी कर्मचारी के जितने वेतन है, जितने उसकी वेलफेयर है, जिसके उसके पास है, जितने बेनिफिट्स है वो हम देंगे। तो क्या ये केवल वोट हासिल करने के लिए था? इतना ही नहीं, आप ये तो कह रहे हैं मैं नहीं मानता, लेकिन आपका इतना अहंकार है मिस्टर केसीआर कि आपने कह दिया 49,000 के 49,000 कर्मचारियों की आप बर्खास्तगी करते हैं, डिसमिस करते हैं। मैं याद दिलाना चाहती हूँ, जयललिता जी मुख्यमंत्री थी तमिलनाडु के, और एक ही रात में 1,00,000 कर्मचारियों को उन्होंने नौकरी से बाहर कर दिया था, और सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये इश्यू भी अंदर डिस्कशन नहीं था, कोई और मैटर इन्हीं कर्मचारियों की हड़ताल के सिलसिले में था, लेकिन हड़ताल मद्देनजर नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ने अपनी टिप्पणी में हड़ताल को गलत कहने की कोशिश की, उनके सामने ये विषय विशेष नहीं था, इसलिए उनके कहने का कोई अर्थ नहीं था, लेकिन हिंदुस्तान भर के कर्मचारियों ने इस बात का कॉग्निजेंस लिया और पूरे देश में 100% स्ट्राइक करके बताया कि स्ट्राइक हमारा अधिकार है, आप हमें स्ट्राइक करने के ऊपर नौकरी से बाहर नहीं कर सकते। इसलिए हम ये समझते हैं इस किस्म की तशद्दुद और जुल्म ऑपरेशन जो ट्रांसपोर्ट वर्कर्स के ऊपर, उनकी केवल इस पॉइंट पे कि जनाब आपने वायदा किया था वोटों में, अपने वायदों को पूरा कीजिए,
उसको लेके मैदान में उतरते हैं और आप उनकी बर्खास्तगी की बात करते हैं, उनपे ऑपरेशन करते हैं, उनपे जुल्म करते हैं। आज तेलंगाना कामयाब बंद चल रहा है, सारी ट्रेड यूनियंस और सारी पॉलिटिकल पार्टीज सपोर्ट में उन कर्मचारियों के निकले हैं। इसीलिए IITUC केंद्र ने ये निर्णय लिया कि तेलंगाना भवन पे ये सिंबॉलिक प्रोटेस्ट हमारा होना चाहिए और हम यहाँ पर पहुंचे। और हर सेक्टर का कर्मचारी, जो खास करके हमारी लीडरशिप है अलग अलग सेक्टर्स की, चूंकि ये सिंबॉलिक प्रदर्शन है, हमने हर यूनियन के अपने लीडर्स को यहाँ पर निमंत्रण दिया और वो यहाँ पर पहुंचे। हम ये समझते हैं कि सरकार को नेगोशिएशन टेबल पे आना चाहिए, सारी बर्खास्तगी को वापस लेना चाहिए, अपने किए हुए वायदों को पूरा करना चाहिए, उनको सरकारी कर्मचारी बनाना चाहिए। जो कॉरपोरेशन है, ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन, उसको गवर्नमेंट बॉडी के रूप में बनाना चाहिए, जो प्रॉमिस किया गया था। ये हम सीधा कहने चाहते हैं। एंड दैट्स व्हाई आई वांट टू रिमाइंड KCR, इसको बेचने के रास्ते पे निकले हैं, कर्मचारियों और मजदूरों के, श्रमिक कानूनों की हत्या करने के रास्ते पे है, 44 कानूनों के 4 कोड्स बनाने के रास्ते पे है, मिनिमम वेज को रिड्यूस करने के रास्ते पे है। इस देश के मजदूरों के साथ मजाक किया जा रहा है, इस देश के प्राकृतिक साधनों को बेचा जा रहा है, इस देश को गुलामी की तरफ धकेला जा रहा है। और ऐसे मौके के ऊपर लोगों के बीच में नफरत और जहर फैलाने वालों को शह दी जा रही है। डिवाइड एंड रूल की पॉलिटिक्स और देश की धरोहर और संपदा को, देश के बड़े पूंजीपति और विदेशी कंपनियों को बेचने का जो रास्ता है, तो KCR क्या उस रास्ते में आप मिस्टर मोदी के साथ खड़े होना चाहते हैं? याद रखिए, वर्किंग क्लास मोदी के खिलाफ 30 सितंबर को कन्वेंशन करने के बाद 8 जनवरी को हड़ताल की तरफ बढ़ रही है। पूरे देश में हड़ताल होगी। जो भी राज्य की सरकार मोदी सरकार के श्रमिकों और कर्मचारियों को पीटने के रास्ते पे चलेगी, पब्लिक सेक्टर को बेचने के रास्ते पे चलेगी, श्रम कानूनों को तोड़ने के रास्ते पे चलेगी, उस देश की संपदा को कौड़ियों के भावों में फेंकेगी, आम जनता के ऊपर सेस और टैक्स बढ़ाएगी, बड़े पूंजीपति के टैक्स को माफ करेगी या कम करेगी। और इस रास्ते पे चलते हुए देख रहे हम BSNL एम्प्लॉयज के ऊपर 80,000 से ऊपर एम्प्लॉयज है जिनको कहा जा रहा है नौकरी छोड़ के जाइए। हम देख रहे हैं क्या हो रहा है, 22,000 MTNL वर्कर्स को एक महीने से पगार नहीं मिला है, 1,76,000 BSNL वर्कर्स को एक महीने से पगार नहीं मिली है। इस देश के अंदर जंगल राज बनाने की कोशिश की जा रही है और उसी जंगल राज की तरफ KCR बढ़ना चाहते हैं तेलंगाना के अंदर। तो हम उनसे कहना चाहते हैं, हमने बहुत सरकारों से टक्कर ली है, हम आपके साथ भी टक्कर लेने के लिए तैयार हैं। तेलंगाना के बंद के लिए तेलंगाना के लोगों को बधाई देते हुए और अपनी बात को फिर से रिट्रेट करते हुए कि जितने डिसमिसल्स किए हैं वापिस लो, जिनके ऊपर केसेस बनाए हैं वापिस लो, और उसके साथ साथ जो वायदा किया था, जो प्रॉमिस किया था, उसको पूरा करो। इस पब्लिक सेक्टर कॉरपोरेशन को आप जो है सरकारी कर्मचारी बनाने का फैसला लिए थे, वायदा किए थे, उसके ऊपर अपनी ईमानदारी से टिकने की कोशिश करो। ये कहते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करती हूँ और मैं चाहूंगी कि हमारे जो टीचर्स के पूरे देश भर के साथी यहाँ पर मौजूद है, उनके नेतृत्व करने वाले IFACTU के महामंत्री, वो भी 2 शब्द जरूर यहाँ पर कहें, चित करें। और जिन लोगों के ऊपर क्रिमिनल केसेस किए गए हैं उनको विड्रॉ करें। जिन वर्कर्स ने हताशा में आके, मुश्किल में आके सुसाइड किया है, ये शेम ऑन गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना। उनकी फैमिलीज के लिए कंपनसेशन डिसाइड करें। हमारी यूनियंस ने 1 करोड़ के आसपास डिमांड किया है फॉर ईच फैमिली। 15 दिन हो गए अभी समय कर रहे थे कि RTC वाले उनको 48,000 एम्प्लॉयज को निकाल दीजिए, आत्महत्या भी कर चुका है, तो फिर भी CM KCR कुछ भी नहीं बोल रहे, तो इसके रिगार्डिंग क्या बोलते हैं? हम समझते हैं कि CM बहुत ओप्रेसिव, बहुत
जुल्म वाला कदम उठा रहे हैं, तो चीफ मिनिस्टर को ये समझ लेना चाहिए कि वो ये ना समझे इनको दबा लेंगे तो बाकी चुप हो जाएंगे, बाकी लोग इनके साथ खड़े होंगे। तो फिर सीएम को तैयारी करनी कर लेनी चाहिए कि उसको इस्तीफा देना पड़ेगा। आंदोलन तेज होगा तेलंगाना के अंदर अगर वो सुनेंगे नहीं तो। साथियों, आज तेलंगाना में ट्रांसपोर्ट वर्कर्स की हड़ताल को लेकर के वहां के सरकार ने वहां के ट्रांसपोर्ट वर्कर को नौकरी से निकाल दिया है। उसको लेकर के हमारा ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस एटक के सेंटर की ओर से ये सिंबॉलिक धरना यहाँ प्रदर्शन किया जा रहा है। अभी आपके सामने हमारे ऑल इंडिया जनरल मजदूर ट्रेड यूनियन के साथी विजय तिवारी जी आपके सामने बात रखेंगे। अभी साथी यहाँ रुकेंगे क्योंकि हमारे डेलीगेशन अंदर मिलने के लिए गए हुए हैं रेसिडेंट कमिश्नर से, उधर से आते हैं तो उसके बाद हम लोग डिस्पर्स करेंगे। तब तक आप सुनिए। साथियों, आज यहाँ पर हमारे एटेक के महासचिव के नेतृत्व में सभी साथी उपस्थित हुए हैं और तेलंगाना के जो चीफ मिनिस्टर ट्रांसपोर्ट मजदूरों पर जो अत्याचार कर रहे हैं उनको बर्खास्त किया है, उसके बारे में यहाँ पर अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और इसलिए हम सभी साथी यहाँ पर इकट्ठे होकर के और इस प्रोटेस्ट में भागीदार बन रहे हैं और सपोर्ट कर रहे हैं। और अभी हमारे डेलीगेट्स गए हैं अंदर, जो अपनी बात को रखेंगे, फिर आके आपको बताएंगे, उसके बाद हम लोग यहाँ से प्रस्थान करेंगे। और आने वाले 22 तारीख को दिल्ली के मजदूरों के समस्याओं को लेकर के एलजी हाउस पर एक बहुत बड़ा प्रोग्राम होने जा रहा है। तो हम सुनावनी दिल्ली लो, देश राजधानी दिल्ली लो AITC కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ అనేక ప్రజా సంఘాలు ఉపాధ్యాయులు కలిసి ఈరోజు నినాదం చేస్తాం జరుగుతుంది. నిన్ననే కోర్టు కూడా జోక్యం చూసుకొని అయ్యా ఇంత ఆలస్యం అయితే ప్రజలు తిరుగుబాటు చేస్తే మీరు ఏమవుతారని చెప్పేసి అని బాధ్యతాయుతను కోర్టు వ్యాఖ్యానించింది. వెంటనే చర్చను ప్రారంభం చెప్పింది. ఎండిని లేకుండా ఎట్లేస్తారు, తలకాయ లేకుండా ఆర్టీసీ ఎట్లా వస్తుంది అని కూడా అందరి పని చెప్పారు. కానీ ఇప్పటిదాకా మాకు వచ్చిన సమాచారం ప్రకారం రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి కోర్టు చెప్పింది కూడా లేకుండా ఆర్టీసీ కార్మికుల్ని ఆహ్వానించకుండా వారి నియంత్రిత పద్ధతిలో పోలీసులు ఉపయోగించి ఒకవైపు నియంత్రణ చేస్తూ ఉన్నాడు, అందరిని అరెస్ట్ చేస్తూ ఉన్నాడు. అన్ని రాజకీయ పార్టీలు ఉద్యోగులను అరెస్ట్ అయిపోయినాయి. చివరికి బస్సు ఏం తెలియదు, ప్రైవేట్ బస్సులు పెట్టుకొని ఇది వాళ్ళు ప్రయత్నిస్తుంటే అది సాధ్యం కాలేదు. ఇంత పట్టి ప్రతికి కావాలా, వాళ్ళు ఏమంటున్నారు, వాళ్ళు అడిగినంత కూడా ఆర్టీసీ కార్పొరేషన్ ఏ విధంగా బతకాల, దాని ఏ విధంగా లాభాలు వస్తాయని చెప్పేసి ఆర్టీసీ కార్పొరేషన్ కోసం పని. अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।